29 तारीख जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला जी का मर्डर होया सीगा, उस तो बाद एफ आई टी बनी सीगी, एस आई टी बैठी है ए डी जी सॉरी अपना ए जी टी एफ प्लस पंजाब पुलिस सारी यूनिट्स इन कोऑर्डिनेशन विद अलग अलग राज्यों की पुलिस जिवें दिल्ली है जिवें दिल्ली पुलिस हैगी है, महाराष्ट्र इवन हरियाणा राजस्थान वी हैव वर्क इन टोटल कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। सो मैं थोनू सीक्वेंशली दसना चाहना कि यह सारा जो सारी कार्रवाई हुण तक हुई है वो किवें हुई है, की प्रोग्रेस हुई है ते हुण अगे असी कर की रहे। जो सारे मालूम है सब तो पहला काम स्टार्ट होया सी मौके तो जिहड़े अपां नूं गड्डियां बरामद हुई सी बलेरो ते दूजी करोड़ लगी, उसकी तफ्तीश विचों भी तहकीकात विचों जो सानू एक फ्यूल पंप फतेहाबाद की स्लिप मिली सी, उतों साड़ी टीमां ने बहुत ऑन ग्राउंड वर्क किया। देयर वर सिक्स टीम्स पुट ऑन ग्राउंड जेडे कि उतों की सीसीटीवी फुटेजेस ते उन्हों ट्रैक करना, द रूट मैप करना, ऑन ग्राउंड वर्क करके वी मैनेज्ड टू गेट द फर्स्ट पिक्चर्स ऑफ द रियल शूटर्स। 29 की शाम नूं यह मर्डर होंदा है ते 30 तारीख की सवेर सवेर च आपा जिहड़ा पहला बंदा सी उन्हों अरेस्ट कर लिया सीगा सी जो मन्ना पाऊ जिथों सारे काम की शुरुआत हुई है, जिथों सारी इन्वेस्टिगेशन अगे चली है। दिस वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस, उतों सानू गड्डिया की अगे तो अगे किवें हैंडओवर हुई है गड्डिया ते कौन कौन बंदे इनवॉल्व रहे सीगे उन्हां बारे सानू पता लग्या। सारा च मिंटू नूं आपां जेल तो लियांदा, उतों दो दिन बाद ही असी बाकी दो शूटर भी आइडेंटिफाई कर लिया सी जिहड़ा कि तुहानूं नाम पता ही है गया, जो मनु ते रूपा फतेहाबाद की पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेजेस तो असी प्रियव्रत नूं आइडेंटिफाई कर लिया सी। ते सारे च मिंटू से ये दोनों बंदे आइडेंटिफाई हो गए ते फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चौथा नाम सीगा अंकित दा वो भी साडे कोल आ गया। उस दिन तो बाद तो जो ग्राउंड वर्क चलता रहा जी बुलेरो गड्डी से असी उन्हों ट्रेस किया, 25 तारीख की दोपहरे ही वह गड्डी मानसा ते मूसेवाला पिंड के लागे तागे पहुंच गई सी। यह बंदे अगले 4-5 दिन जो है लगातार ही कोशिश करते रहे ते जदों इन्हां नूं मौका मिलिया 29 तारीख नूं उदों ही काम होया। फर्दर जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन सीगी इहदे विच फिगर कीते केकड़ा ते निकू बलदेव निकू जिन्हां ने जदों गड्डी चों सिद्धू मूसेवाला बाहर आए से उत्थे नाल इन्हां ने सैल्फी ले, सैल्फी दे नाल नाल ही इन्हां नूं अगे इन्हां ने करेक्शन कीते अपना गोल्डी बराड ते सचिन बिश्नोई दे नाल वीडियो कॉला भी कीतियां, प्रूफ कीता कि हुण इस गड्डी च कौन कौन है, सारी इन्फॉर्मेशन अगे प्रोवाइड कीती, ऑल्सो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग किन्ने बंदे गड्डी च हैगे आ, केड़ी गड्डी हैगी है, ते इन्हां ने फॉलो ही कीता मोटरसाइकिल च फॉलो करके अगे जाके इन्होंने जिथे चौक पैंदा उत्थे उत्थे गड्डिया जिहड़ी अपनी बुलेरो ते दूजी कोरोला सी इन्हां नूं इशारा कीता, इशारे ते बाद इन्हां नूं बुलेरो बगर लाता सॉरी थार मगर लाता। फर्दर हुण तक दी तफ्तीश दे विच 13 बंदे असीं अरेस्ट कर चुके हैं। टोटल जिहड़ी कॉन्सपिरेसी सी, टोटल जिहड़ी प्लानिंग सी, किस किस ने क्या लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिता, किस किस ने क्या रोल था, ये डिटेल्स मैं तुहानूं अपने प्रेस रिलीज दे विच दे चुका। आज हमने बलदेव एलियस निकू को भी अरेस्ट करा है जो कि केकड़े के साथ मेन रेकी करने में, फॉलो करने में और कॉन्टैक्ट सीधा थ्रू गोल्डी ब्राड एंड सचिन टू इन्फॉर्म द शूटर्स कि हुण काम करना है, किवें करना है एंड हाउ गिविंग ऑल द डिटेल्स।
ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਸ ਫਰਦਰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਬਾਈ 5 ਡੇਜ਼ ਯੈਸਟਰਡੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਮੇਂ ਜੋ ਜੋ ਬਾਤੇਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕੌਨਸਪਰਸੀ ਸੀਗੀ जो इनिशियल प्लानिंग हुई है विद अलोंग विद गोल्डी ब्राड सचिन तपन उर्फ बिश्नोई और अनमोल इन्हों के थ्रू इन्हें प्लानिंग की थी इस गलवारी ने एडमिट की एंड ही ऑफ कोर्स हैज एडमिटेड टू बीइंग द मेन मास्टरमाइंड। इसके क्वेश्चनिंग में यह भी बात आ गया है कि पिछले साल अगस्त से ही ये काम स्टार्ट हो गया सीजन दे इज प्लानिंग टू कैरी आउट दिस टास्क और जो सारी इंफॉर्मेशन है कट टू कट तीन बार रेकी की गई सी जनवरी महीने में भी एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ शूटर्स भी थे आए थे बट उस वक्त ये काम को अंजाम नहीं दे पाए और दे बन पाए। सो मल्टीपल रेकीज एंड मल्टीपल अटेम्प्ट्स वर मेड अलॉन्ग विद दिस ही हैज ऑल्सो एडमिटेड इन्हें आप दे प्रा अनमोल बिश्नोई जनवरी दे महीने इन्हें बाहर भेज बिकॉज ड्यूरिंग द कैरिंग ऑफ दिस टास्क ही ऑल्सो न्यू कि इसके बाद उसकी सेफ्टी एश्योर करने की उसको ही कैप्टन एसोसिएटेड विद द प्लानिंग पार्ट और उन्हें सेफ करवाते उसमें कंट्री तो बाहर भेजता। जो थोड़ा सा चेता होगा सचिन बिश्नोई ने किसी एक न्यूज चैनल को फोन करके यह कहा सीगा कि उन्हें इस कतल फोन किया सीगा ते उन्हें यह भी कहा सीगा कि वो मौके ते सीगे ते उन्हें गोली चलाईया ते मारिया है। दिस वॉज सिंपली अ प्लॉय टू मिसलीड द इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने ऑलरेडी अप्रैल के महीने बाहर भेज चुका सीगा लॉरेंस। It was an attempt to mislead the investigation, knowing very well कि वो आप claim करोगा investigation mislead होगी and police will be after Sachin and he himself will be saved. This was the whole game plan. इना दोनों को जरा भेजा गया है वो फर्जी पासपोर्ट बनवा के भेजा गया है। We have the details of the fake passports which have been made. And they have been made from outside Punjab. We will share the passport details also. And we are taking up the matter with concerned agencies to get them legally and to ensure that they are brought to book, brought to justice. This is a charge regarding fake passport. एक होर मैं इंपॉर्टेंट गल करना चाहना कि इस तमाम तफ्तीश के दौरान सानू बहुत सारी एहोजी गल्लां दा पता लग्या है कि यह सारे गैंगस्टर्स किवें ऑपरेट करते हैं किहड़े इन्हां दे एसोसिएट्स है कितों फाइनेंसिस मैरिज होंगे कितों वेपन्स आते हैं। Now there, all this is a matter of subsequent investigation and Punjab police and various units of Punjab police will ensure ki this gangster network is broken and everybody is brought to book. Is tafteesh se dauran hi jehde inade associates vagaira sade knowledge vich aaye paave wo shooters hai ge paave wo weapon providers hai ge paave kisi bhi tarah se engaged in is gangster group ke sath hai 19 और बंदे अलग अलग पर्चियां अरेस्ट किए गए बाय वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब पुलिस और उनसे काफी मात्रा में वेपन और एम्युनिशन भी बरामद कराए। इस अलावा जो सारी अलग अलग यूनिट्स पंजाब पुलिस की है बिकॉज ऑफ द फोकस्ड अटेंशन टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ गैंगस्टर क्राइम एंड टू एंश्योर दैट दीज पीपल आर नॉट अलाउड टू रोम फ्री 147
गैंगस्टर्स क्रिमिनल्स अरेस्ट किए गए होते पिछले दो ढाई महीने के दौरान। 37 गैंगस्टर मॉड्यूल्स बस्ट किए गए और 130 तो वेपन्स एंड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एमिनिशन एक्सेट्रा हैज बीन प्रोक्योर्ड। वेपन 147 क्रिमिनल्स अरेस्ट। कितने मॉड्यूल्स बस्ट? 37। सो दिस इन ब्रीफ इज व्हाट वी वांटेड टू टेल यू कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुई। और जहां तक बाकी रहेंगे शूटर्स की अरेस्ट का सवाल है, वी पंजाब पुलिस की एजीटीएफ की वक वक 8-9 टीमें इस काम से लगी हुई हैं। वी आर ऑल्सो इन टच विद अदर स्टेट्स हु आर ऑल्सो हेल्पिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद अस एंड कोऑपरेटिंग विद अस and we are hopeful that we'll get them very soon. दोनों सवाल का जवाब देना। जेड़े की वेपन एक्सेट्रा जो दिल्ली पुलिस ने रिकवर किए, वी विल हैव टू गेट दोज वेपन्स चेक थ्रू फोरेंसिक्स टू रियली मैच देम अप कि वाकई वो वेपन इस केस यूज हुए कि नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दे विल बी मैच्ड अप। जे सी वी हैव गॉट एम्प्टी शेल्स एक्सेट्रा सारे को सारे को ले गया तो उन्होंने मैच करके ही ऐसी कोई फाइनल जवाब दे सकते। दे हैव अरेस्टेड प्रेवर्त फौजी और प्रेवर्त फौजी ने कुछ वेपन रिकवर कराए हैं, बट टू मैच अप विद अवर केस की मतलब सेम वेपन अगर यूज हुए सीखे वी हैव टू डू अ फॉरेंसिक। सेकेंडली जो लॉरेंस की अपनी एडमिटेंस में आ रहा है, विक्की मिडोफ्रा के मर्डर के बाद से ही हैड टास्क्ड हिज मैन टू गो आफ्टर सिद्धू मूसेवाला। सी दीज आर हिज अजम्पशंस एंड एज पर हिज क्वेश्चनिंग देयर इज वी ऑल्सो डोंट फाइंड इट टू बी अ गुड इनफ मोटिव। इट्स जस्ट प्योरली बेस्ड ऑन सस्पेशन एंड इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। सर एक चीज और सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है प्रेवर्त फौजी ने ये भी कहा है कि दो दिन पहले भी इसको मारने की प्लानिंग थी, कुछ ऐसा अभी तक सामने आया? मैंने आपको पहले बताया कि 25 तारीख से ही ये शूटर्स वहां पर आ गए थे। नहीं, शूटर्स आ गए थे क्या, ऐसा भी था कि कोई दो दिन पहले का जैसे उन्होंने वो मौका ढूंढ रहे थे, मौका 29 को मिला उन्होंने काम कर दिया। फोन पर बातचीत करना एक बहुत ही हैज एडमिटेड टू यूजिंग द मोबाइल फोन इन जेल। सर अगर जो जेल्स हैं वो सिक्योर है, बिकॉज तिहाड़ जेल सबसे सिक्योर जेल मानी जाती है, उन जेलों में बैठकर भी अगर लॉ एनफोर्समेंट जैसे गैंगस्टर जो है वो फोन पे कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए। सब शटल मैं आपको मैंने आपको बताया कि जो तफ्तीश दौरान जेड़ी गल आई है कि फोन इन्हें यूज किया ये निकल बननी है वो मैं थोड़ी दस्ती है। वो सर एक चीज में क्या आया गया कि लोग लॉरेंस की रिपोर्ट दो मिनट सर, लॉरेंस के नाम पे अब लगातार कॉल्स आ रही हैं कि लॉरेंस के गुर्गे बोल रहे हैं 5 लाख 10 लाख इस तरह की। मैं आपको इसका जवाब देता। पीछे हमारे नोटिस में काफी सारे 30-35 के आसपास केसेस आए जिसमें इस तरह की कॉल्स आई हैं और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अलग अलग यूनिवर्सिटी करी है उसमें काफी सारे केसेस फेक पाए गए। कुछ लोग अपनी लोकल लेवल पर कुछ एक्सट्रॉक्शन करने की कोशिश कर रहे, उसमें काफी सारे नंबर सच्चा जो वो भी मिले हैं। Calls have been made by using virtual numbers from states like MP and Jharkhand etc., which are just scamsters and conmen. Sir, Goldie Brano baro ne aan waste baro jitna suffer tode ko kisi da ki nahi tu interpol di shayad madhvi le ji ko contact kar si pe kuch aaya si late inform kita lekin baro
और क्या जो आप क्लेम कर रहे हैं 147 गैंगस्टर्स हमने पकड़े हैं, इस सारी जो पकड़े हैं तो गैंग कल्चर खत्म हो जाएगा? सी इट्स एन ऑन गोइंग एक्सरसाइज और जब से AGTF क्रिएट हुई हमारा फोकस्ड और स्ट्रेटेजिक सारा फोकस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एक्शन इन्हीं के ऊपर। ये हमने हमारी तफ्तीश में हमने वो नहीं करा है, जो हमारी तफ्तीश वो मैं आपको बताया। फोन वॉज यूज इन द जेल बलदेव निकू वॉज द मेन पर्सन हु कैरिड ऑन रिकी अलॉन्ग विद केकड़ा ऑन 29th। ये नाल गया से इन्हें सर्दी किसका सी इन्हें फोन ते गोल्डी ते सचिन नाल गल की है, इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है, फिर मोटरसाइकिल इन्होंने दोनों ने सिद्धू फॉलो किया है। Okay. इन्हें मोटरसाइकिल फॉलो करते गड्डिया नु इस गड्डिया मगर लगाया नाल पॉइंट आउट भी किया। यस यस सर, कैमरे के स्टे भी किया शूटर्स के नाल कुछ इस तरह की कोई गल? यस यस सर, बेसिकली पॉइंट ने काम किया है कि वेपन एक रात ठहर भी प्रोवाइड करवाई सी तो एक रात नाल रहया भी सी। सर AM9 भी मोदी का सामने ले सी एक असॉल्ट ड्राइवर दे आई तो ओदा विच हमने हमने आज तक किसी भी ऐसे वेपन का नाम नहीं लिया है। Anybody who has said this, I think question should be posed to him. वेपन एक हमारे हिसाब से एक ही पार्टी से भी होता है और एक ही साथ से एक ही साथ जब तक पुलिस ना सोचे एंटरी करने के लिए एक ही 47 एक ही सीरीज एक ही सीरीज 9mm एंड अदर पिस्टल्स। लॉरेंस विश नोइंग टू जेडी मूनी तक कुछ की छोई है की बड़ी जेडी सू है पुलिस रू उधर तो मिली है सर थोड़ा दस सकते हैं जेडी सू मिली उसी तक काम कर रहे हैं क्योंकि सानू बाकी बंदे भी फड़ रहे हैं ते सारे इन्हों के टोटल जो इन्हों का नेटवर्क है उन्होंने भी क्रश करना। आई कैन नॉट शेयर सर मैडम सर प्रमोशन जी क्वेश्चन है सर वकील वालों इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि थर्ड डिग्री इस्तेमाल हो रही है। We are following all legal procedures. We are following all legal procedures. We are complying by all orders of the court. His medical is being done regularly, and even his own relatives have come and met him. जो शामिल होगा उसका खुलासा हम करेंगे। सर एक सवाल है कि पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है कि जो पुलिस ने वहां पर ग्रेनेड और लॉन्चर जो पुलिस ने किया है वो पाकिस्तान का कनेक्शन सर तो मैं पूछ रहा हूं। सबके सवाल ले रहा हूं। तो नहीं सर छोटा भरा सर जितना भी सवाल तू जवाब देना पड़ना सर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जी है बार बार एक गल चल के आ रही है कि जिस पूछताछ कर रहे हो कुछ कोई पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी ना किसी थ्रेट से या कोई अजे भी रैंसम मंगते है कि जो गल्ला पंजाबी म्यूजिक अलग अलग सोशल मनी है कई कई अलग अलग भी दसते हैं कि उन्होंने मंगते है ये गल ठीक है जा कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास हैं जहां पे पीपल एसोसिएटेड विद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हैव कंप्लेंट अबाउट एक्सटॉर्शन। सर मेयर शूटर्स कब तक पकड़े जाएंगे? कुछ आई वांट टू अरेस्ट देम टुडे सर। मैंने आपको बताया इस तफ्तीश के दौरान ही एसोसिएटेड 19 बंदे हमने पकड़े। सर जो सेकंड मॉड्यूल दिल्ली पुलिस हैज बीन क्लेमिंग अबाउट अ ग्रेनेड अटैक डू वी हैव सच इन्फॉर्मेशन? सॉरी व्हिच ग्रेनेड अटैक? ग्रेनेड रिकवरी अटैक हुआ। दिल्ली पुलिस हैज क्लेम्ड यस्टरडे देयर वर टू मॉड्यूल्स one they wanted to use grenade at his own residence. our teams are in Delhi to join the questioning of Priyavrat Fauji. जो इन्फॉर्मेशन वहां से अथेंटिक आएगी वो मैं उस पर कमेंट कर सकता। ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन ओनली वी हैव सेंट आवर टीम टू दिल्ली टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। बेनती है घट्टो घट कोई एक बंदा ब्रीफिंग वास्ते कोई कूलर साहब
टाइम टाइम पर देखिए, टाइम टाइम पर हमने आपको प्रेस रिलीज भी दी है, फैक्चुअल रिपोर्ट्स दी है, एक 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 आज कर रहे हैं रहने वाला है, और उसने अनमोल को आपने बताया था कि उसने बाहर जाने में हेल्प की। बलदेव निकु हैज बीन अरेस्टेड, ही इज रेजिडेंट ऑफ सिरसा, तख्तमल विलेज है, हरियाणा का सिरसा जिले का, एंड हिज रोल वॉज रेकी फॉलोइंग पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन टू द कॉन्स्पिरेटर्स सिटिंग अक्रॉस, जिन्हों का कॉन्टेक्ट सीगा डायरेक्टली शूटर से। निकु जो है आप 14 केसेज में पीओ है, किस केस की बात कर रहे हैं आप? कुछ वेपन्स इन लाल लेके आए थे, जब 25 तारीख में आए, कुछ वेपन्स इन आलू एक दो दिन बाद इतने भी सब आया, बट वेट वी हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ जो कुछ हमारे सामने है, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आई कैन एंड लेट्स नॉट गेट इनटू पोजेस। सर, सर, दो सिंगल बातचीत हुई है उनसे, काफी बात हुई है, उनकी क्वेश्चनिंग भी हुई है, उनसे डिटेल्स भी लेंगे। सर, फोन के अलावा क्या कुछ और गैजेट्स या उन चीजों का इस्तेमाल होता था कम्युनिकेशन के लिए? दीज आर टेक्निकल डिटेल्स, आई कैन नॉट टेल यू ऑल दिस। एंड दीज शूटर्स आर कम्युनिकेटिंग विद गोल्डी बराड ओनली, और दे आर इन टच विद द लॉरेंस बिश्नोई आल्सो ऑन द डे ऑफ 29th। इट वाज थ्रू गोल्डी। इट वाज थ्रू गोल्डी एंड सचिन बिश्नोई। ये एस्टैब्लिश था, ये सॉरी सर, जब मर्डर के बाद सारी पिक्चर्स क्लियर हुई, टीवी पे खबरें चलने की, तो ये एस्टैब्लिश था पूरी तरह से कि सिद्धू मूसेवाला के फादर घर पर मौजूद थे, सिद्धू मूसेवाला को फॉलो नहीं कर रहे थे। जब FIR रजिस्टर्ड हुई है तो उनकी कंप्लेंट पे दर्ज हुई है, और उन्होंने बुलाया कि मैं मौका वारदात से थोड़ी दूर था। जो फैक्ट्स है वो FIR में मेंशन है। थैंक यू सो मच। आई थिंक यू हैव टेकन द ओनली ब्रांड दे कोलो तो संपर्क दे विच सीगा आप कौन बलदेव जिहड़ा गिरफ्तार किया गया सिरसा, तो कदों तो सबक सी संपर्क काफी चेर पिछले घट्टो 8 महीने सबका डिप्टी सीएम जो मुख्यमंत्री धमकी मिल रही है, एक लोकल पुलिस इसको चेक कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, एंड अकॉर्डिंग जेडे गैंगस्टर है इस पर्टिकुलर केस के विच अजे तक साडे कोल सामने नहीं आई फॉर द इन्वेस्टिगेशन। सॉरी, जो गोल्डी बराड़ ने इंटरव्यू दिया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि सचिन ने जो है फोन करके जिम्मेदारी ली जो कि गलत था, झूठ था, तो एवरीथिंग हैज टू बी चेक्ड अप विद फैक्ट्स। सर, लॉयर को सर बाकी एक सर लॉरेंस के खिलाफ जितने भी केस में जो मानसर है एक्शन टेकन। अगर जब बेटा छोड़ा फोन